पर आपसे एक राय पूछा था कि मुझे एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताओ भाई। और एक और बात, बहुत ज़्यादा बच्चे इस बात से कंफ्यूजन में है जो भी हमें कॉल करते हैं, वो ये है कि सर आप इंडियन आर्मी में चले जाएगा तो हमें ट्रेनिंग कौन देगा। इसी के कारण बहुत बच्चे ये इसको लेकर कन्फ्यूज थे तो अकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो अगर आप भी कन्फ्यूज हैं तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, मैं ही यहाँ पर रहूँगा, मैं ही उपस्थित रहूँगा, मैं ही ट्रेनिंग दूँगा सुबह शाम। मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, फाइनल ये जो मैं बता रहा हूँ मेरा ये डिसीजन है। आप लोग रहोगे किंग और हम बनाएंगे आपको। तो सभी को जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अभी से दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो लगभग जो मेरा थिंकिंग था, मेरा जो सोच था, 90% जो थे और जो मेरे व्यूवर्स हैं या फिर जो मेरे एकेडमी के बच्चे हैं, उनका भी यही कहना है कि सर आपको इंडियन आर्मी में नहीं जाना चाहिए, आप यहीं पर रह के शिक्षक के रूप में देश सेवा कीजिए। और मैंने आपसे वहाँ पर एक राय भी लिया था कि क्या मुझे इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उन दो देना चाहिए और नहीं देना चाहिए का दोनों के बीच का एक रास्ता निकला है, वो वीडियो के आगे बताते हैं। मुझे इंडियन आर्मी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा, नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा सोचो कि मैं यूट्यूब का वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, एकेडमी नहीं चलाता हूँ, तब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? इसलिए जाना चाहिए कि आपके द्वारा यूथ लोगों को जब ट्रेनिंग मिलेगा या नहीं तो आप कहकर क्या कीजिएगा, चलिए जाइए आप। हाँ, तो ये इसका कहना ये है कि जब आप यहाँ रहिएगा ही नहीं, आप ट्रेनिंग ही नहीं दीजिएगा, तो फिर आप आर्मी में चले जाना आपके लिए सही होगा। सही बात है? अगर हाँ, मैं भी उसी कंडीशन में रहता कि मेरे साथ अभी लगभग हमारा 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 8.5 लाख फैमिली हो चुका है, ठीक है, और 1.5 लाख का में हम लोग 1 मिलियन हो जाएंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और आप देखते होंगे हमारे इंस्टाग्राम हर जगह कि हर एक दो दिन एक दिन में मेंशन होते रहता है कि सर हमने यहाँ का भर्ती निकाला, यहाँ का भर्ती निकाला, यहाँ का फिजिकल पास किया। तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बच्चों को, और इसी के लिए मेरा डिसीजन यही था कि नहीं जाना चाहिए। सही है डिसीजन? यस सर। और मैंने यहाँ पर आपसे एक राय पूछा था कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताओ भाई। तो इन दोनों के बीच का मैंने एक राय ये निकला था कि कमेंट में बहुत लोग ये मैसेज किए थे कि सर आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने जाइए, लेकिन एग्ज़ाम के पेपर में कुछ मत भरिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा उससे? गरीब बच्चा कोई भी एक गरीब बच्चा, हाँ गरीब बच्चा नहीं, जिनका एम होगा, गरीब भी मान सकते हो, जिनका एम होगा फौजी बनना, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, वो ज्वाइन कर लेंगे। और मेरे एक सीट की वजह से उनका एक सीट नहीं कटेगा, यही है? यस सर। हाँ, तो मैं भी यही डिसाइड किया हूँ कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, पेपर खाली छोड़ के आऊँगा। सही है? यस सर। उससे क्या बेनिफिट हमको मिलेगा पर्सनली? अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। एक दो फायदा ये भी होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है ये तो आप बाहर से दिखता ही है, ठीक है, और मुझे पता भी है कैसा पैटर्न होता है, कैसा क्वेश्चन आता है, लेकिन अंदर का माहौल, अंदर का बात कुछ और होता है, यही है ना? हाँ, तो वहाँ का बेनिफिट मुझे मिलेगा, और इस बेनिफिट को मैंने फिजिकल भी एक्सलेंट हो गया, मेडिकल में भी सारा कुछ हो गया, और रिटेन का भी एक्सपीरियंस प्रॉपर तरीका से हो जाएगा। तो फिर जो अब मैं एकेडमी चलाता हूँ या फिर बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा ये सारा एक्सपीरियंस उसमें काम आएगा, ठीक है। तो मेरा मेनली पर्पस यही था शुरू में कि मैं कुछ लोगों को प्रूफ करूं और अपने आप को एक बार फिर से प्रूफ करूं और सारा एक्सपीरियंस गेन करूं। लेकिन बीच का जो एक महीना मेरा बीता उसमें मेरे दिमाग में आने लगा था कि इंडियन आर्मी में जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन रहा और मैंने ये फिर लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं जाना चाहिए। अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, किस तरह क्वेश्चन आता है, कैसे बैठाया जाता है, और साथ ही साथ जितने ही मेरे पता हो कि हम लोग एक बैच में अभी भी 17 से 18 लोग अभी भी उसमें पास हैं, मतलब एक साथ बैठाया जाएगा आसपास, और टोटल हमारा जो रांची आरओ है लगभग 45 से 46 बच्चा आसपास कहीं ना कहीं होगा। तो सबका हम देख भी लेंगे कि लिख रहा है कि इधर उधर जा कर रहा है। yes, पता चल जाएगा। yes, और किस तरह से बैठाया जाएगा, हैं, किसी को बता देंगे। क्या चाह रहा है, निकलते निकलते मार खाए बहुत। और लास्ट टाइम हम एक स्टूडेंट वाला फील वहाँ पे ले पाएंगे, और अंदर का जो माहौल होता है वो बहुत पसंद आया मुझे पर्सनली। डर वाला माहौल, इधर आवाज़ आ रहा तड़ातुड़, उधर आवाज़ आ रहा है, तो पसंद आया। यहाँ पर एज ए शिक्षक मतलब लगता है कि हम ऐसा रखता है, और वहाँ पर ये लगता है कि स्टूडेंट है, बच्चे, कहीं भी आवाज़ आ सकता है तड़ातड़, तो वो फीलिंग बहुत अच्छा आएगा। और उसको कैद भी करके ला सकते हैं, अंदर का तो नहीं, लेकिन बाहर जाने से पहले क्या एक्सपीरियंस रहेगा, उसके बाद निकलने के बाद कैसा माहौल रहेगा, वो कैद करके ले आ पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ फ़ायदा रहेगा एग्ज़ाम देने का, लेकिन एग्ज़ाम में जाके कुछ नहीं लिखने का।
इससे ये फायदा होगा कि जो जिनको इंडियन आर्मी में जाना है वो मेरी वजह से उनका एक सीट नहीं कटेगा, सही है? हाँ, तो यही मेरा डिसीजन फाइनल रहा और इस डिसीजन को लगभग 80% लोग जो है उनका दिमाग में यही था कि आपका जो सोच है सर, थिंकिंग है, वो सही है। और जो लोग 20% जो लोग बोल रहे हैं इंडियन आर्मी में जाना चाहिए, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा टफ़, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लिया हूँ और आगे का सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा टफ़ डिसीजन रहा है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन आर्मी का डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा कि मैं, ये मेरे दिमाग में ये रहा कि मैं जाऊँगा और उसके बाद, बहुत लोगों का कहना ये था कि 6 महीने करके आप ट्रेनिंग के बाद भाग जाइए, ये कहना था बहुत लोगों का कमेंट में, आपने देखा होगा। तो अगर जाएंगे तो पूरी जाएंगे हम इसीलिए सोचे थे, और 4 साल के लिए नहीं, मेरे मुकाबले थे आराम से 15 साल, जब तक होगा तब तक करके आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं वर्ल्ड वाइड और पूरे इंडिया को, यूथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है उनको, जो लोग एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और जो लोग मतलब कि गलत टिप्स वगैरह फॉलो करके जिनको दिक्कत होता है, तो वो हमारा वीडियोज़ को, हमारा वर्कआउट को फॉलो करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है? और एक और बात, बहुत ज़्यादा बच्चे इस बात से कन्फ्यूज़न में है जो भी हमें कॉल करते हैं, वो ये है कि सर आप इंडियन आर्मी में चले जाएगा तो हमें ट्रेनिंग कौन देगा। इसी के कारण बहुत बच्चे ये इसको लेकर कन्फ्यूज़ थे तो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो अगर आप भी कन्फ्यूज़ हैं तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, मैं ही यहाँ पर रहूँगा, मैं ही उपस्थित रहूँगा, मैं ही ट्रेनिंग दूँगा सुबह शाम। मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, फाइनल ये जो मैं बता रहा हूँ मेरा ये डिसीज़न है। और अगर आपको ज्वाइन करना है एकेडमी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल पे बहुत बच्चे ये पूछते हैं, 90% जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़ थे कि सर आप इंडियन आर्मी में जाइएगा कि नहीं जाइएगा। इसलिए अभी देखते हैं हमारे पास लगभग 70-80 बच्चे हैं, ठीक है? और जबकि पिछले 1.5 महीने से मैंने कभी भी एकेडमी के से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया कि हमारे एकेडमी ज्वाइन कीजिए, ओपन है नहीं है, क्योंकि मैं खुद जो है एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, रनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था और बच्चों के साथ मिलके सारा एक्सरसाइज कर रहा था। और ज़्यादातर इसमें पुराने बच्चे हैं, तो जो अब कन्फ्यूज़ हैं कि मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, तो आप कन्फ्यूज़ मत रहो, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भले ही मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ या ना जाऊँ, देश सेवा यहाँ से होता है और मैं यहीं रह के बहुत सारे बच्चों का करियर बना सकता हूँ। मेरे अंदर काबिलियत है, 5 से 10 हज़ार फौजी तैयार कर सकता हूँ और मैं एक जाके लड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास काबिलियत है 10 हज़ार 12 हज़ार और आजीवन जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक फौजी तैयार करते रहूँगा, सही है? यस सर। तो ये डिसीजन मेरा सही है आपको, आपकी नज़र में? यस सर। मेरा भी फाइनल डिसीजन यही रहा है और आपका भी लगभग 80% लोगों का डिसीजन यही रहा है, तो फाइनल डिसीजन यही रहा। और आज से हमारे YouTube चैनल पर रेगुलर वीडियो आना भी स्टार्ट हो जाएगा। और आपको किसी तरह का दिक्कत कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपके हिसाब से वीडियो भी बनाया जाएगा, ठीक है? यस सर। तो फाइनल डिसीजन यही रहा मेरा। और लास्ट में यही आपसे कहना चाहेंगे कि आप भले इंडियन आर्मी पहुँच पाओ ना पहुँच पाओ, क्योंकि हर एक आदमी का सपना जो है वो सच नहीं हो पाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आए हो तो मेरा 100% यही रहेगा थिंकिंग कि आपको किसी भी तरीका से जो है आपका जो दौड़ है, आपका जो फिज़िकल है, जो आपका मेडिकल है, रिटर्न में पास करवाऊँ, मेरे दिमाग में दिल में तो यही रहेगा। लेकिन जहाँ बात आती है रियलिटी की, तो सबका तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप देश सेवा जो इंडियन आर्मी में ही जाके कर सकते हो, ठीक है? आपने सुना होगा रतन टाटा का नाम, खान सर का नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी देश सेवा कर रहे हैं भले वो इंडियन आर्मी में नहीं है, ठीक है? अगर आप एक अपना नॉर्मल आपका कोई भी पद, आप एक शिक्षक या एक टीचर हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो भी आप अगर अपना ईमानदारी से पढ़ाते तो वो भी देश सेवा कहलाता है ना? यस सर। और मेरा जो रूप रहेगा वो टीचर का रहेगा, कोच का रहेगा, शिक्षक का रहेगा, ठीक है? पूरे इंडिया का नींव कौन तैयार करता है? शिक्षक। इंडियन आर्मी में कौन भेजेगा? हम ही भेजेंगे तुम्हें ना, रिटर्न भी टीचर ही पढ़ाते हैं। हाँ, तो मेरा वो वाला रोल ज़्यादा रहेगा, मतलब कि किंग मेकर वाला, आप लोग रहोगे किंग और हम बनाएंगे आपको। चलो थैंक यू। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, थैंक यू।